दिखा रहे, देखो कितने पैसे आज ये खर्च करके जाएंगी। अब वॉशरूम बनेगा, ये टूट के हटेगी। वीडियो बना रहे, गिर गए इसकी टेप से। देखो जरा कैसे सुखी आ रही है। टीम वेब पे मैं राज आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों वीडियो बहुत दिनों के बाद में आ रही है क्योंकि कुछ काम में लगे हुए थे, और किस काम में लगे हुए तो मैं आपको आगे दिखाता हूँ। अगर आप चैनल पे नए हो और इस फैमिली को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन गोल पे सेट करना, कमेंट जरूर करना कि वीडियो में आपको क्या अच्छा क्या लगा। तो क्या है, घर का हम रेनोवेशन शुरू करने जा रहे हैं। कैसे हम रहते थे, क्योंकि इधर आते थे। देखो जरा कैसे सुखी आ रही है। तो कैसे ये रही हैं, इन्होंने काफ़ी एडजस्ट भी किया है, बहुत परेशान भी हुई हैं। तो थैंक यू इनको, इसके लिए मैं बोलना चाहूँगा ऑन कैमरा जाकर के, क्योंकि इन्होंने बहुत एडजस्ट किया, एक साल बहुत मेहनत से निकाला है इन्होंने। तो चलिए पहले मैं ना पुराना कैसा कमरा है इन सबका टूर करा देता हूँ, फिर जो नया बन के आएगा ना फिर मैं उसका टूर कराऊंगा। तो सारी चीज़ें आपको मिलेगी, कहाँ से सामान आ रहा है, कैसे काम हो रहा है, सब कुछ मैं इस पर रिकॉर्ड करूंगा मैं। तो चलिए दिखाते हैं कमरों की हालत जो अभी है। नहीं। तो ये है हमारा बेडरूम, देख लो अभी आप फिर, क्योंकि बाद में नहीं मिलेगा देखने के लिए। तो ये बेडरूम हो गया। अच्छा नहीं, बेडरूम देख लिया आपने। ये वाला दूसरा कमरा है जिसको हम पूरा सेट करके रखे थे, जिसको पूजा घर बना रखे। और ये किचन है, ये हमारा पहला एरिया था जिसमें हम पहले रहते थे। अब दिखाता हूँ मैं जो अब बनने वाला है, जो कम्प्लीट होगा पूरा का पूरा। तो ये मेन गेट है, मेन गेट से जब एंट्री करते हैं तो एंट्री करने के बाद में एक ये कमरा है, ये मेरा ऑफिस रूम बनेगा और मेहमानों के लिए जगह भी बनाएंगे इसके अंदर, तो इसमें काम चलेगा। एक तो ये हो गया, ये गली है, यहाँ पे किचन की साइज़ बड़ी की जाएगी, किचन की दीवारें टूटेगी और इसको बड़ा करके इसको कम्प्लीट करेंगे यहाँ पर। बस कैमरे मत घुसा, इस कमरे में थोड़ा अंधेरा है अभी, उसमें लाइट ला के लगा दो। रुको, तो दूसरा कमरा ये है, ये किराएदार को दे रखा था। इसके अंदर यहाँ पे ये जो जगह दिख रही है ना, यहाँ पे पूरा पूरा वॉशरूम बनाया जाएगा। तो एक कमरा ये हो गया, और इस कमरे को तोड़ करके, जो बीच में जो दीवार है इसको तोड़ करके इस कमरे से अटैच करेंगे, दोनों ये दोनों अटैच हो जाएंगे। तो ये तो आपने पहले देख ही चुके हैं, तो ये पूरा पोर्शन अब ऐसे ही तैयार होगा। चलिए मैं काम शुरू करता हूँ, धीरे धीरे मिलते हैं आगे। तो ये पेपर वगैरह यहाँ पर आगे बंद कर रही है, क्योंकि उधर जो अभी आपने देखा ड्रिलिंग का काम चल रहा है, तो ये अपनी सफाई से बचने के लिए लगा रही है। थोड़ी देर पहले गिर गई मैं कैमरा लेने के, इतनी देर में तो घर पूरा, तो घर थोड़ा अस्त व्यस्त है, अब बनेगा उसके बाद देखना है कैसे। तो ये पूरा हमने पूरा सामान इधर से उधर फैला रखा है पूरे कमरे के अंदर, एक ही कमरे में सो रहे हैं, एक ही कमरे में सब कुछ हमारा। ये देर ये 2-3 दिन बाद गैस भी आ जाए इसी रूम में, कुछ हो रही है लगा दो ना। तो दोस्तों कंडीशन ऐसे हो रखी है, अभी एक ईंट है, गुन्नू थी नहीं घर पे आज, लेकिन पहले फ़ोन ऑफ कर लूँ मैं, ये सरसर सड़ाएगा। तो आज गुन्नू घर पे थी नहीं, चली गई थी। तो ये एक ईंट जो दिख रही है ना आपको, ये एक ईंट रख दी है, उसके वो आएगी तो फिर उसके नाम से लगा देंगे, वो रख देंगे वहाँ पर, लाके पूजा वूजा हो जाएगा। घर की हालत देख पा रहे हो गए, कैसा बन के घूम रहा हूँ मैं, सब सामान ठूस दिया गया, ऐसा लग रहा है कमरे के अंदर से टोटल सब सामान इसी में ठूसा हुआ है पूरा। अब थोड़ा देर होगा, ये किचन है, इस ऊपर को यहाँ पे इसको ये वाला भी लॉक करेंगे, ये शायद मेरा आज ही हो जाएगा। मैं थोड़ा खाना वाना खाने लग गया था, कुछ काम करने लग गया था, उसके लिए खाना वाला काम करने लग गया था मैं। अब ये वाली दीवार यहाँ से लॉक हो रही है, ये दीवार है ऊपर पर इतनी उड़ चुकी और ये पूरी बंद जाएगी। हाँ जी, ये तो नहीं ना अनारकली, उनको ही चुन दो भैया इसके अंदर, ये केबिन बना देना छोटा सा और रख देना, इनको रख के बंद कर देना ऊपर से। चलिए कुछ अंदर का व्यू देखते हैं, अंदर की हालत कमरे की भाई साहब ऐसी कर रखी है ना, अगर कोई देखेगा तो बोलेगा ये तो खैर वॉशरूम की पाइप की फिटिंग्स के लिए बनाई जगह। ये देखो भैया क्या कर दिया, वो कमरा था पहले, आप हमेशा वो कमरा देखते थे, अब ये कुछ अटैच होकर के इसके अंदर हो गया है। बहुत काम है इसके अंदर, बहुत ज़्यादा काम है, अभी बीच का ये पूरा काम होगा। मतलब मैं जब शुरू किया था ना तब मुझे लग रहा था कि नहीं यार कुछ नहीं है, इसे तो छोटा मोटा ये, पर भाई बहुत है, अभी वहाँ पे भी अलमारियाँ बनेंगी पूरी, उसके बाद में यहाँ पूरा वॉशरूम बनेगा, ये टूट के हटेगी,
तो इतना तो इसके अंदर होगा। अगर दूसरे से ले ये प्रॉपर मेरा ऑफिस का सेटअप बन रहा है इसके अंदर। अब ये भी टूट करके ये रखा, ये टूट के हट गया, हटेगा पूरा कंप्लीट ये हो जाएगा। वो पाइप जो उसमें आप छेद देख रहे तो पाइप इसमें आकर के यहाँ पे वो कनेक्ट हो जाएगा, तो सिविल की पूरी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी और यहाँ से बाहर की जगह रहेगी कि आराम से यहाँ से बाहर निकल सके। कोई मेहमान वगैरह भी मुझसे मिलने आए तो मिल जाए आराम से। मसाला वगैरह सब यही बन रहा है दोस्तों। वैसे देखो मिडिल क्लास वाला आदमी काम करता है तो उसको भी थोड़ा बहुत उसमें लगना ही पड़ता है कि चलो यार थोड़ा वो हेल्प कर दूँ, थोड़ा कुछ और कर लूंगा तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा वो। तो उसका तो मैं भी लगा हुआ उसके अंदर कि अपना भी काम देख रहा हूँ, ये भी काम देख रहा हूँ, दोनों साथ में करके देख रहा हूँ। क्योंकि वर्क फ्रॉम होम है, उनको क्या पता चलने वाला कि कैसे काम हो रहा है। तो अपना आराम से ऑफिस का भी काम देख रहे ना हो और इसमें भी कम मैनेज हो जा रहा है। ये है हमारे मिस्त्री साहब अच्छे हैं, धराधर धराधर। ये भी 8 बजे काम शुरू हुआ था और अभी टाइम हो रहा है शायद 10 या 11 के आसपास का टाइम हो रहा होगा। उन्होंने इतनी वाल उठा दीजिए। ये जो एक ईंट रख दी थी मैंने पूजा की गुंडों के नाम से, ये लगवा देता हूँ मैं। ठीक है जाओ, हो गया। तो गुंडों के नाम की जो ईंट थी निकाली थी वो रख दी वहाँ पे। मैं बैठ करके वहाँ ईंटें फोड़ रहा हूँ, मैं भी ईंटें फोड़ के निकाल रहा हूँ, जितनी ईंटें निकल जाएंगी कि अलमारियों में काम मिलेंगे। इतना पूरा ये बन गया है इधर। ये माते अभी चल रही है ऊपर, क्या बोल रही थी अभी आप, कैसे 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 दिन देखने पड़ रहे हैं। वैसा तो ये थी मेरी सब्जी है, ये रोटी है, ये हमारा कमरा है, उधर हमारा बेड गद्दे वद्दे है, बेड पता नहीं किधर चला गया है। यार मेरे पास तो इतना बड़ा पार्टीशन में 150 गज में रह रहा हूँ और मुझे हर चीजें बहुत मेहनत करके मिलेगी और मतलब कुछ दिन की प्रॉब्लम है बाद में सेट हो जाएगी। पर कुछ ऐसे भी लोग होंगे पर एक ही कमरे के अंदर बनाते भी हैं, खाते भी हैं, सोते भी हैं और दो दो चार चार लोग रह जाते हैं इसके अंदर बहुत आराम से, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो आज है ना एक तरह से मुझे उनके बारे में पता चला कि हाँ यार वो कितना फेस करते हैं वो चीज़ों को। तो कभी कभी भगवान है ना कुछ चीज़ें आपको दिखाता है तो आपको कुछ दूसरों की वैल्यू भी मालूम पड़ती है। तो मैं मानता हूँ यार देखो आप जिससे निम्न तबके के हैं, नीचे श्रेणी के ना, उनकी भी इज्जत क्या करो, क्योंकि हर आदमी को मन माफिक सुविधाएं नहीं मिल पाती है। चलो ज्ञान दादा जी खाना खा लूंगा। तो खाना वाना ये मेरा, ये खा लेता हूँ, फिर आपसे कल मॉर्निंग में आकर के मिलेंगे क्योंकि कल काम चलेगा। और ये लग चुकी है कढ़ाई लेकर के सारी सब्जी खाने के अंदर। मैं क्या करूँ, सिंक भी सब गड़बड़ पड़ी है तो मतलब बन जा रहे होते हैं ना वो वाली फीलिंग हो गई है, जहाँ जगह मिल जाओ वहीं फैल जाओ, जहाँ जगह मिले वहीं खा लो जा करके। चलो दोस्तों मॉर्निंग में मिलते हैं। जिंदगी में मैं कह लूं जिंदगी में हर चीज के मजे लेने चाहिए, उतार चढ़ाव ये जिंदगी के फेजेस हैं। आज हम ये फेज देख रहे हैं, कल वो बहुत अच्छा फेज देखेंगे, या पास्ट में बहुत अच्छा फेज देखा भी होगा या उससे पास्ट में बहुत बुरे फेज देखेंगे। तो ये अप एंड डाउन चलता रहता है, फर्क नहीं पड़ता उससे। ऐसे ही है, ठीक है ना, ऐसे ही है। कढ़ाई में खा लेते हैं, कुछ भी लेके बैठ लेते हैं। देखो ये जो क्लासी वाला टाइप है ना भाई, नहीं है आज मैं शुरू से हूँ, मतलब पापा ने बहुत अच्छी तरह से पाला है, ये आप देख रहे हो, कभी घर आपने पूरा देखा नहीं है। तो मतलब एक तीसरी पांच बंदे ने ना बहुत कुछ किया है हमारे लिए, मैंने जो चीज़ पर हाथ रखा मुझे मिली है, जो चीज़ खाने के लिए सब कुछ है। तो वो नहीं है तो मैं डाउन टू अर्थ हूँ, ना तो मैंने पैसे की वैल्यू की ना इन चीज़ों की। तो यार दोस्तों ऐसा नहीं है भैया, हम ऐसे ही हैं, कोई टेंशन नहीं है, मस्त रहता है खा पी करके। मैं मानता हूँ कमाओ खाओ मौज मस्त की, जिंदगी दोबारा थोड़ी मिलने वाली है। कौन आ गया, कौन है तू भाई? तो भाई जिंदगी दोबारा नहीं मिलने ना, खाओ पियो फैमिली में मिलकर रहो और मस्त रहो, जो चीजें चाहिए जरूरत की पूजा करो उनको। मैं खाना खा लू यार, मुझे बहुत भूख लगी, दिन भर बेलदारी की है मैंने, एक ईटे फोड़ी मैंने बैठ करके दिन भर। क्यों फोड़ी? क्योंकि भाई देखो मैंने शादी की थी, अब शादी की थी तो भाई मुझे इनको घर भी बना के देना था, तो जैसे तैसे देवी जी ने जो प्रॉमिस किया था इन्होंने पूरा किया था। तो अब मेरा टाइम था प्रॉमिस पूरा करने का, तो अब मैं अपना प्रॉमिस पूरा कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, दिन भर अपना काम करता हूँ, जब टाइम मिलता है तो जाके ईंटें फोड़ने लग जाता हूँ, तो चीजें करता हूँ। खैर कोई नहीं, मुझे पता है भाई घर बना रहे हैं तो उसका मेहनत एक ना एक दिन रंग जरूर लाएगी, तो थोड़ा खाना ही खाऊँ। मिलते हैं, बाय बाय।
तो आज का काम चलते हुए तीसरा दिन हो गया है, ये पूरी दीवार कंप्लीट हो गई है पैक। ये इधर से खुला हुआ था तो उसको पैक करके यहाँ पे वेंटिलेशन के लिए जगह छोड़ दिए। अभी किचन का काम ऑलमोस्ट काफ़ी बाकी है, कराएंगे धीरे धीरे। ये बस ऐसे और थोड़ा सा कुछ रहेगा यहाँ तक हैटर के लिए, ये हो जाएगा फिर तो इसको तोड़ के उसको निकाल देंगे, ये अलमारी पैक हो जाएगी, बाकी सारी चीज़ें इधर हो जाएंगी। उधर अलमारी बनवा रहे थे, अलमारी का काम चल रहा है, ये अलमारी बना रहे हैं हम यहाँ पे। थोड़ी सी दिखने में तिरछी उड़ी है पर मेरे ऐसा बहुत सही है, बिल्कुल ऐसी बनेगी। अब इस पर भी एक फ्लोर इस पर बनेगा, सेकंड इस पर बनेगा, तो इस तरह से बनेगी। तो जब पूरी बनेगी तो मैं आपको दिखाऊंगा। मुस्लिम लोग जी आई पी है बाहर से बुलाए गए हैं, भोजीपुरा से हैं, तो मेरे से कौन सी सारा आइटम है ये बिल्कुल लग के दबा के काम कर रहे हैं। यहीं पूरी शॉपिंग वगैरह सब करने के लिए अब बैठ के अपनी टाइल देख रही हैं, टाइल दिखा रहे हैं, देखो कितने पैसे आज ये खर्च करके जाएंगी, अब वो देखने के ऊपर है। ये टाइल पसंद कर रहे हैं मैं और गुन्नू ने, देखने में तो कितनी अच्छी लग रही है, पर ये लगी हुई है कौन से टाइल के पीछे, नहीं ये वाले टाइल भी पसंद कर रही है। ज़रा कॉम्बिनेशन देखो यार दोनों का, क्या क्लासिक है, ये कितना अच्छा, कितना बकवास है। तो आज गुन्नू ने क्या किया है, पहली बार है ना आटा लगाया है, और ये आटा कैसा लगाया है पढ़ने को बोला जाए तो माते से पढ़ा नहीं जाता, पर देखो आटा लगा के लेके आएंगे, ये इतना खाना बनाने का मन कर रहा है। कम से कम बेचारे ने बनाया तो सोचा मम्मा बीमार है ना, मैं आटा लगा देती तो कुछ तो किया। इसमें भी पति के ऊपर ही बम फोड़ गया उसने, ऐसे पोटी से सलाह के लाई है तो भी आपकी लड़की ने अच्छा काम किया, मैं भी अच्छा सही बना के लाऊंगा ना तो भी मेरी कोई वैल्यू नहीं होगी इसके अंदर। क्या करने जा रही हो, ओ भद्दो वापस आओ इधर। इतना कीमती टाइम निकाल करके आपने मेरा पूरा व्लॉग देखा, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। फ्रेंड्स अभी जो आने वाले व्लॉग आने वाले हैं वो मतलब वो तो जा चुकी हैं, मैं क्या मैं मंकट, तो आने वाले व्लॉग आपको और भी अच्छे मिलेंगे क्योंकि मैं अकेला हूँ, अकेले मजे कर रहा, मतलब मजे तो कैसे भी टाइम निकाल रहा हूँ, क्योंकि खुद ही बनाना पड़ रहा है, खुद ही खाना पड़ रहा है, खुद ही धोना पड़ रहा है, सब कुछ खुद ही करना पड़ रहा है। तो आपने यहाँ तक वीडियो देखा, चैनल सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन ऑल पे सेट करना, कमेंट जरूर करना वीडियो में क्या अच्छा लगा आपको, और मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।